मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि करवा चौथ कब मनाई जाएगी, 3 तारीख को मनाई जाएगी, 4 को, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या विधि है, किस विधि से करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए और करवा चौथ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। करवा चौथ से रिलेटेड या आने वाले त्यौहार से रिलेटेड अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेरे नंबर 8920341551 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब नीचे शो हो रही है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने अच्छे अच्छे सुझाव मुझे कमेंट कीजिए कि आप और क्या क्या देखना चाहते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि जो करवा चौथ का व्रत है वो हम किसी भी रिश्ते को कुछ भी अगर हम स्पेशल करते हैं या किसी भी रिश्ते को कुछ दर्शाना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर डे जो होता है वो उस दिन को और भी ज़्यादा स्पेशल मना देता है। जैसा कि हमारे रिश्ते जो हैं उनमें प्यार हमेशा बरकरार रहता है, पर लेकिन कभी कभी कुछ स्पेशल करके हम उस चीज़ को ज़्यादा फील करवा सकते हैं, ज़्यादा स्पेशल फील करवा सकते हैं। तो ऐसे ही पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है ये करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ से जुड़ी काफ़ी सारी मान्यताएं हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पति पत्नी के बीच का प्यार। उस प्यार को मजबूत करने के लिए और दर्शाने के लिए कि आप उनके लिए और वो आपके लिए कितने स्पेशल हैं, ये एक दिन जो है वो मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है और हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व होता है। मैं जैसा कि खुद करवा चौथ की बहुत सारी प्रेपरेशंस कर रही हूँ तो मार्केट में करवा चौथ के कारण इतनी ज़्यादा भीड़ है, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोरोना वरोना ने कोई हमारे त्योहारों पर किसी भी तरीके की कोई रोक नहीं लगाई है। कोरोना की वजह से किसी भी तरीके से हमारे त्योहारों की जो रौनक है वो कम नहीं हुई है। आज मुझे मार्केट में जाकर ऐसा फील हुआ और बहुत खुशी भी हुई। स्त्रियां जो है वो अपने पति की दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं और आजकल तो हस्बैंड्स भी व्रत रखते हैं अपनी वाइफ की लंबी उम्र की कामना के लिए, जो कि बनता भी है। अगर स्त्रियां व्रत रखती हैं तो पति भी व्रत रखते हैं, लेकिन चंद्रमा का जो संबंध है वो आयु, सुख और शांति का कारक माना जाता है। जो चंद्रमा का संबंध होता है वो हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी सुख समृद्धि आयु का जो कारक ग्रह माने जाते हैं वो चंद्रमा माने जाते हैं और इनकी पूजा से जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ज़्यादा सुखमय रहता है। इस दिन पूजा करने से पति की आयु लंबी होती है और यह व्रत अगर सुहागिन जो महिलाएं हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा अहम व्रत माना जाता है। करवा चौथ के दिन हर महिला ही बड़े श्रद्धा भाव से इस व्रत को रखती हैं और शिव पार्वती की पूजा करती हैं, यानी कि शिव पार्वती जैसी जोड़ी बनी रहे इसकी कामना करती हैं। इस दिन व्रत में शिव पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी की पूजा की जाती है। चंद्रमा की पूजा का विधान है, चंद्रमा को देखकर ही अर्घ देकर सबका जो है अलग अलग रीति रिवाज है, हर क्षेत्र का अलग रीति रिवाज है, तो उसी हिसाब से पूजा की जाती है। कुछ लोग छन्नी में से देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ अर्घ देते हैं, कुछ लोगों के घर पुए बनाए जाते हैं, तो सबका एक अलग अलग रिचुअल्स हैं, अलग अलग परंपरा है इस व्रत को निभाने की।
यह नहीं है कि कुंवारी लड़कियां यह व्रत नहीं रख सकती। शिव जी जैसा वर पाने के लिए, अपना मनवांछित वर पाने के लिए भी कुंवारी स्त्रियां ये व्रत रख सकती हैं। कुंवारी लड़कियां ये व्रत बहुत अच्छे से रख सकती हैं। और करवा चौथ का जो पावन व्रत है वो हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। कई बार ये जो व्रत है वो तृतीया में भी आ जाता है, पर लेकिन इस बार जो ये व्रत है वो चतुर्थी के दिन ही आ रहा है। करवा चौथ जो है उसका शुभ मुहूर्त क्या है कि जिस समय पूजा की जाएगी। करवा चौथ जो है वो 4 नवंबर यानी कि बुधवार के दिन मनाया जाएगा, और करवा चौथ की जो पूजा का मुहूर्त है वो शाम को 5:29 से लेकर 6:48 तक का बन रहा है, और जो चंद्रोदय होगा वो 8:16 पर होने वाला है। वैसे जो चतुर्थी तिथि है वो 4 नवंबर को सुबह 3:24 पर शुरू हो जाएगी, और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 5 नवंबर को सुबह 5:14 पर। अब मैंने आपको बता दिया कि शुभ मुहूर्त क्या है और क्या महत्व है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि चंद्रमा की पूजा क्यों की जाती है, और जो कुंवारी स्त्रियाँ हैं वो किस एज में या फिर किस उम्र में ये व्रत रख सकती हैं। वैसे करवा चौथ का जो व्रत है वो कुंवारी स्त्रियाँ रख सकती हैं, कुंवारी लड़कियाँ जी जो हैं वो कर सकती हैं, लेकिन जिनकी शादी की उम्र हो गई हो या फिर शादी होने वाली है, एंगेजमेंट हो गई, रोका हो गया या ऐसा, तो वो व्रत रख सकती हैं। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं है, पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने वाला एक पर्व है। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्यौहार आते हैं वो चाहे हमारे आपसी संबंध हो या फिर हमारे रिश्तेदारों के साथ हमारे संबंध हो, वो जो त्यौहार है उन सब से जो वो रिश्ते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। वो एक पर्व होता है जो हम साथ में मिलकर मनाते हैं। चंद्रमा को वैसे आयु, सुख और शांति का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए जब भी चंद्रमा की पूजा की जाती है तो इसका मतलब कि हम अपने पति की लंबी आयु, घर में सुख शांति की कामना के लिए इस व्रत को रखते हैं। हमारा वैवाहिक जीवन जो है वो सुखमय, शांतिपूर्वक बीते और हमारे पति की जो आयु है वो लंबी हो, इसलिए यह व्रत किया जाता है, और इसीलिए ही चंद्रमा की पूजा भी की जाती है, क्योंकि चंद्रदेव जो है वो कारक ग्रह माने जाते हैं आयु का। तो आयु के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, अपने पति की लंबी आयु की इच्छा हम उनसे मानते हैं, क्योंकि वो कारक ग्रह हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। सिर्फ चंद्रमा और सूर्य ही हैं जो मतलब दिखाई देने वाले ग्रह हैं, बाकी कोई भी ग्रह जो है हम उन्हें नहीं देख सकते हैं, मतलब हम ऐसे उन्हें नहीं देख सकते हैं क्योंकि हम सूरज और चंद्रमा को रोज़ देखते हैं, रोज़ देख सकते हैं, लेकिन हम और किसी भी ग्रह को रोज़ नहीं देख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि करवा चौथ के जो व्रत है उसका नियम क्या है, किस नियम पूर्वक उस व्रत को करना चाहिए। करवा चौथ का जो व्रत है वो सूर्योदय होने से पहले शुरू हो जाता है और चंद्रदेव के निकलने तक रखा जाता है। चंद्रदेव के दर्शन के बाद, पूजा के बाद चंद्रदेव की, उसके बाद ही जो व्रत है वो खोला जाता है। शाम के समय लगभग चंद्रोदय से 1.5-2 घंटा पहले, उदय होने से पहले जो पूजा की जाती है वो 1 घंटा संपूर्ण शिव परिवार की, शिव, पार्वती, नंदी जी और कार्तिकेय जी, गणेश जी, सबकी पूजा की जाती है, और उसके बाद जो पूजा आप करते हो उस पूजा को करते समय आपको हमेशा पूर्व की ओर आपका मुख होना चाहिए, यानी कि जिस जगह से सूरज उगता है, पूर्व में सूरज उगता है, उस साइड आपका मुख होना चाहिए। और इस दिन जो व्रत है वो निर्जला व्रत रखा जाता है। तो
अपनी चाहे मन की शांति के लिए ही, पर लेकिन कभी भी गलती से भी इस व्रत का जो खंडन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि आप इस व्रत को निर्जल ही रखें, गलती से भी पानी ना पी लें। और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति को छलनी में, चाहे आपके घर में जो भी रिचुअल्स हैं, उस रिचुअल से पूजा करनी चाहिए, उसके बाद ही खाना खाना चाहिए, उसके बाद ही अपना जो व्रत है वो खोलना चाहिए। उसके बाद पति जो है वो पानी पिलाकर ही आपका व्रत तोड़ते हैं। तो इस व्रत के ये कुछ नियम हैं जिन्हें फॉलो ज़रूर करना चाहिए। तो करवा चौथ की कथा जो है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में सुनाऊंगी। अगर आप मुझसे करवा चौथ से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं या आने वाले त्योहारों से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो मेरे नंबर 8920341551 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आई डी फेसबुक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अच्छे अच्छे सुझाव कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।